राइवलरी वीक का मुकाबला न्यू मुंबई वर्सेस दबंग दिल्ली। शुरुआत करी है मनजीत ने, चॉइस थी उनके पास अजीत चौहान को भेजने की, मनजीत को भेजने की, और मनजीत क्लियरली अनुभवी रेडर हैं, यू मुंबा के सबसे अनुभवी और अनुभव है उनको बाहर जाने का। बोनस पॉइंट, यू बाहर चले गए, आते से ही बाहर चले गए। बिल्कुल, पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल है ये, या बिल्कुल, और दूसरी तरफ मुंबा का डिफेंस भी चमक रहा है। आशु मलिक बाहर, वन पॉइंट यू मुंबा। अजीत चौहान जो इस सीजन के सबसे सक्सेसफुल रेडर रहे हैं यू मुंबा के लिए। अब देखिए टो टच कितना शानदार, कितना अद्भुत, किस तरह से शफलिंग की और बड़ा खूबसूरत महीन टो टच किया। यहां पर दोनों पैरों पर एक साथ गए, रिंकू ने काम किया, यहां बहुत ही जबरदस्त टैकल, डबल थाइस पर एक साथ। और यहां आशु मलिक काम करके गए, बहुत ही चपलता के साथ एक पॉइंट लेकर के गए। वन पॉइंट दबंग दिल्ली, फैसवाल को बाहर किया। स्टार रेडर नवीन एक्सप्रेस को जरूर मिस कर रहे हैं और डिफेंस में वही गलतियां कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस सीजन दिल्ली का डिफेंस काफी हल्का फुल्का रहा है। अजीत चौहान, और यहां पर ब्लॉक किया, उन्हें पता है कि रिंकू नरवाल आज पूरे फॉर्म में है। अजीत चौहान जिस तरह का फुटवर्क दिखाते हैं लिमिटेड एरिया में, अगर आप उन्हें कवर करके ब्लॉक करें तो वो मुश्किल में पड़ते हैं। राडार घूमने लगा, सुनील पर चलने लगा, क्योंकि सुनील पर सबकी निगाहें हैं, चल नहीं पा रहे सुनील इस सीजन में। और ये डाइव किया, अकेले डाइव करने के लिए गए आशु पर। आप कैसे साहस कर सकते हैं आशु पर इस तरह का डाइव अकेले। लोकेश, वन पॉइंट दबंग दिल्ली। लग रहा है कि लोकेश पहले सेल्फ आउट हो गए थे। क्लियरली वन पॉइंट यू मुंबा, वो गेम दिखाते हुए जिसकी हमें उनसे उम्मीद है। होने को बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि कबड्डी में पॉसिबिलिटीज अनंत है। पहले 10 मिनट का खेल समाप्त होने को है और पॉइंट्स का फासला 2 का है, और ये डायरेक्ट असल रहेगी सुनील और आशु मलिक के बीच में। और भाई आप तैयारी करके गए थे, सुनील की सोमवीर पीछे से आ गए। वन पॉइंट यू मुंबा। और सोमवीर को अगर पीठ दिखाओगे तो सोमवीर जो है वो टैकल करेंगे। अरे बहुत ही अच्छा वेस्ट होल्ड सोमवीर का। और यहाँ डू ऑर डाई रेड, और डू ऑर डाई रेड में एस्केप करने की कोशिश, सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़, कोशिश बहुत की जफर दानिश ने वहां से निकलने की, थोड़ा सा नाखुश दिखाई दे रहा था। चलिए स्ट्रगल के बाद पैर रखा है उन्होंने, तो इसलिए सुपर टैकल यहां पर कामयाब था। कबड्डी के खेल में 40 मिनट का खेल होता है और इस 40 मिनट में अनगिनत रेड डाली जाती है। ओहो, सोमवीर ने बहुत एम्बिशियस टैकल करने की कोशिश की लेकिन मिड लाइन के बहुत करीब। मनजीत, अच्छा फुटवर्क है मनजीत का आज, लेकिन पीठ दिखाई है उन्होंने, पीठ दिखाई है, और जब आप पीठ दिखाएंगे तो फिर परेशानी होगी। क्या ये मुकाबला एक एक है? नंबर 66 रिंकू नरवाल जाएंगे। बहुत ज्यादा तेजी से गए थे रिंकू नरवाल, अगर ये पॉइंट लेने में कामयाब होते तो आशु मलिक को वापस आने का मौका मिलेगा। कॉर्नर पर बार बार शफल करते हुए, फुटवर्क बढ़िया इनका, लेकिन सफल कितना भी कर लो, रेड राउंड वन पॉइंट यू मुंबा। दिल्ली वाले गले लगा लेते। ये तो छप्पी पाई है योगेश पाई ने, दबंग दिल्ली क्या बढ़िया गले लगाया है, वही टस मस्त ना होने दिया। सीजन के नंबर 1 रेडर और उनके सामने सुनील, ये 11 नंबर की जर्सी पर नजर रखिएगा, बीच बीच जो खड़े हैं, ये है सबसे कामयाब हिंदुस्तानी कप्तान प्रो कबड्डी के, और दूसरी बार आशु मलिक को धरा है बेस्ट वर्सेस द बेस्ट। 13-12 सिर्फ एक पॉइंट के लीड, जफर दानिश 4 की डिफेंस को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं,
और किस्मत ने यहां उनका साथ नहीं दिया। बजरंग रानी भी यही कह रहे हैं, नहीं हाथ पहुंच गए थे मिड लाइन तक लेकिन क्रॉस नहीं हो पाए। डू और डाई, और जिस तरह से वेस्ट पर गए वो कमाल का डिफेंस दिखाया सोमवीर ने। वन पॉइंट यू मुंबा। सोमवीर का ये तीसरा टैकल पॉइंट और इसके साथ इस मुकाबले का पहला हाफ। दो महानगरों की जंग में यू मुंबा के नाम एक मामूली बढ़त के साथ समाप्त हुआ है। अपनी टीम को ट्रेन कर रहे हैं लेकिन क्लियरली गरम ठंडा चल रहा है। ये पहला सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। पॉइंट मिलना ना मिलना अलग बात है लेकिन आप जिस तरह से रेट करते हैं, और ये कमाल, ये डिफेंस में सेंध मार दी मंजीत ने। मंजीत ने सेंध मारी डिफेंस में और दबंग दिल्ली को ऑल आउट की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अब दारुमदार आशीष के ऊपर, क्या वो दबंग दिल्ली को ऑल आउट से बचा सकते हैं? मुश्किल लगता है। इनफैक्ट दबंग दिल्ली चाहेगी कि अब वो फुल हाउस के साथ उतरे। बढ़िया आशीष ने, चलिए ऑल आउट से बचाया, बिल्कुल रिवाइवल किया, रनिंग हैंड टच मारा, बोनस रोहित को बाहर किया, एक से हुए दो। सफर दानेश, क्या वही प्रेशर उन पे डबल डाल सकते हैं? डीजे रॉफ सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, दो पॉइंट कमा सकते हैं दिल्ली वाले, और दो पॉइंट कमाएंगे नहीं, दो पॉइंट गवाएंगे, पूरी टीम बाहर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। यू मुंबा ऑल आउट हो गए हैं, दबंग दिल्ली बढ़त पर थे और अब बढ़त उल्टी हो जाएगी। आशु मलिक ने जफर दानेश को बाहर किया इनकी पोजीशन से, फासले को और कम किया, दो पॉइंट कम हुए। बड़ा शिकार आशु मलिक ने आखिरकार सुनील का शिकार कर ही लिया। लगातार बोनस के लिए जा रहे हैं और यहां रनिंग हैंड टच, कमाल का रनिंग हैंड टच था, हवा में छलांग लगाते हुए उन्होंने नितिन पनवर को बाहर किया। दिल्ली दिल्ली अभी इस वक्त पिछड़ रही है पांच पॉइंट से और हार ली गई। कहा ना यू मुंबा का डिफेंस सुनील के बिना भी बहुत मजबूत है। आशु मलिक आज छह पॉइंट्स उनके नाम और लेकर के जफर को बाहर किया। बोनस भी अटेम्प्ट है, बोनस भी मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला है, टू पॉइंट्स आशु मलिक। इतनी बेहतरीन फुटवर्क जो कबड्डी के खिलाड़ियों को देखने को मिलती है। ओ, क्या बढ़िया लाओ, सोमवीर तो छलांग मार गए, उसका कोई बूमरैंग बनाओ। रेडी आउट, वन पॉइंट यू मुंबा। क्या मूव था, वो तीन डिफेंडर्स ने रोक लिया, सोमवीर ने बोला मैं क्यों पीछे रहूं। कमाल का फर्स्ट करते हैं अपने फुटवर्क के साथ, हवा में जो छलांग लगाते हैं। एक अच्छा ऑलराउंडर मिला है यू मुंबा को इस बार, साहस नहीं जुटा पा रहे और अगली बार भीड़ में चले गए। नो बोनस, डू और डाई थी, आशु मलिक का रिवाइवल हो गया। बस है सुनील कुमार 11 नंबर की जर्सी पर नजर रखिएगा, यहां राइट कॉर्नर पे जहां पर वो नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर सुनील और आशु मलिक, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, इस सीजन का नंबर वन रेडर, इस लीग का नंबर वन इंडियन कैप्टन सुनील कुमार वर्सेस आशु मलिक, चांदी ही चांदी। मैच डिसाइड यहाँ पे, पर यहाँ पे अगर दबंग दिल्ली को लौटना है टीम में तो रेडर्स को पॉइंट स्कोर करने होंगे। हर दिए गए एक बार फिर, सुनील कुमार का जलवा है। में दो बार कामयाब और असफलता भी हाथ लगी और इस बार भी लगेगी। योगेश ने अंकल लिया, रनिंग किक लगाना चाहते थे, योगेश ने कहा स्वागत है, हाई फाइव पूरा किया योगेश ने। पांच टैकल और पांच टैकल पॉइंट, दूसरा हाई फाइव इस सीजन का 100% स्ट्राइक रेट के साथ। एक बार फिर ये कॉन्टेस्ट चालू और इस बार आशु मलिक आगे, नंबर 44 आउट आशु मलिक। छह सुपर टेन कुल मिलाकर सात मैच खेले, सात में से छह में सुपर टेन लगाई। लेफ्ट कॉर्नर पर सुनील, सुनील वर्सेस आशु, तीन बार सुनील उन पर हावी पड़े और एक बार आशु, और एक बार फिर से सुपर टैकल।
ये होता है जब आप विराट फास्ट में चढ़ जाते हैं, मुंबई वाले वही दर देते हैं। इस रॉफ सुपर टैकल ने दबंग दिल्ली की उम्मीदों पर तुषारा पात किया है। यहां से वापसी की गुंजाइश बहुत कम हो गई और आपका दिल पसीज जाता है इस खिलाड़ी के लिए, आशु मलिक के लिए, जो पर्सनल लेवल पे इतना शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, सुपर टेन पे सुपर टेन लगा रहे हैं। लेकिन सुपर टेन से टीम्स नहीं जीतती है, इसलिए आपका दिल पसीज जाता है इस खिलाड़ी के लिए कि वो करे तो और कितना करे। और अब ये आखिरी रेड होगी इस मुकाबले की। कोशिश ये होगी दबंग दिल्ली की कि 7 से कम से हारे, क्योंकि अब उसकी संभावना बिल्कुल प्रबल है। 1 पॉइंट मिलेगा दबंग दिल्ली को। और यहाँ यू मुंबा ने अपना बदला पूरा कर लिया। सीजन के पहले मैच में जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो दबंग दिल्ली ने यू मुंबा को 8 पॉइंट से पराजित किया था। आज यू मुंबा ने दबंग दिल्ली को 6 पॉइंट से पराजित कर दिया। तो राइवलरी की जंग में जीत हुई है यू मुंबा की। पॉइंट टेबल में भी ऊपर चले गए। इस सीजन में पहले दबंग दिल्ली ने यू मुंबा को परास्त किया था और उसका बदला लिया है यू मुंबा ने दिल्ली को आज पछाड़ कर।